देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक वीरांनी प्राणाची आहुती दिली आहे सरकारला या स्वातंत्र्यवीरांची आठवण करून देण्यासाठी संग्राम फाउंडेशन संचलित जय हिंद अभियानाच्या वतीनं दिल्लीतील जंतर मंतर येथे ध्यानकर्षण मोर्चा काढण्यात येणार आहे अनेक वीर देशासाठी हसत हसत फासावर लटकले आहेत संसाराचा विचार न करता आयुष्यपणाला लावले आहेत तुरुंगवास भोगलाय असे असतानाही देशाला या वीरांची आठवण नाही सरकारकडून त्यांना मानसन्मान दिला जात नाही त्यामुळे पाच जून दोन हजार बावीस रोजी संग्राम फाउंडेशनचे देशभरातील सुमारे सहाशे प्रमुख पदाधिकारी दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे केंद्र सरकारचे लक्ष वळवून घेण्यासाठी ध्यानाकर्षण मोर्चा काढणार आहेत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन सरकारला देण्यात येणार आहे ज्या ज्या देशभक्तांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्राणाचे बलिदान दिले तुरुंगवास भोगला त्यांची माहिती देशभरातील तमाम जनतेला असणे आवश्यक आहे त्यांचे कार्य नव्या पिढ्यांना देशप्रेमाची ऊर्जा देणारे आहे असे असतानाही आजवर देशातील कोणत्याच सरकारने याकडे लक्ष दिलेले नाही अनेकांना अद्याप भारतरत्न देण्यात आला नाही शहीदांना शहीदांचा दर्जा देण्यात आला नाही सरकारच्या अशा वागण्याने या स्वातंत्र्यवीरांचा अवमान होत आहे चंद्रशेखर आझाद भगतसिंग राजगुरू सुखदेव उल्ला खान बटुकेश्वर दत्त मंगल पांडे तिलका मांझी साफेकर बंधु खुदीराम बोस सुभाष चंद्र बोस असे अनेक क्रांतिकारक दुर्लक्षित पेल टप्प्या या क्रांतिकारक सरकार ने दखल घेवन भारतरत्न व शहीद दर्जा दया वंशां मान सन्म्मा दया अभी मांग करना है जय हिंद अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए न्यौछावर हो चुके हैं उनके बारे में लोग जाने हमारे आज के बच्चे उनको अपना आइडियल बनाएं उनको अपना आदर्श बनाएं और हमारा एक परम उद्देश्य ऐसा है कि वैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश के इतिहास से और लोगों के स्मृति पटल से भी गुम हो चुके हैं उनके नामों को भी बाहर लाना जैसे मनाया मैंने बताया वीर बुधु भगत बाजी राउत तिलका मांझी गेंदालाल दीक्षित श्याम जी कृष्ण वर्मा सचिन नाथ सान्याल ये ऐसे महान नाम हैं जो उस समय महान कृत्य करते हुए देश के लिए कुर्बान हुए लेकिन उनके बारे में आज ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और शुरुआत में जब जय हिंद हमने अभियान हमने शुरू की थी तो सिर्फ एक या दो जन ने मिल शुरुआत किया था आज हमारे पास ऐसे ऐसे युवा योद्धा आपके सामने आप देखेंगे गजानन यादव सुशील शुक्ला रामप्रीत यादव जी अमित राजपूत ऐसे पूरे देश से हमारे साथ लोग अब युवा भी जुड़ रहे हैं तो हम ये अब उम्मीद कर सकते हैं और यकीन है कि इस अभियान के लक्ष्य को एक दिन प्राप्त करके रहेंगे मैं गोपाल सिंह संग्राम फाउंडेशन से ध्यान आकर्षण मोर्चा जो है ये उन सारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया पाँच जून को हम दिल्ली में जंतर मंतर पे इन सारे क्रांतिकारियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए हम पूरी टीम वहाँ पे जा रही है और ये ध्यान आकर्षण मोर्चा वहाँ पे हम शांतिपूर्वक करने वाले हैं जिसमें हमारे जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी राजगुरु जी सुखदेव जी भगत सिंह जी विष्णु पिंगले सावरकर जी ऐसे अनगिनत अनेकों क्रांतिकारी हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिला है उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए हम ये ध्यान आकर्षण मोर्चा वहाँ पर कर रहे हैं और हमें दिल्ली प्रशासन से ये परमिशन मिला है हमें ये वहाँ से आज्ञा मिली है कि आप तीन से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं लेके आ सकते हैं तो हम पूरे देश से हम थाना से डेढ़ लोग जा रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे थे हमने वहाँ पर लोगों को बोला है कि आप एक लिमिटेड संख्या में आप आइए क्योंकि हमको प्रशासन के साथ में चलना है और प्रशासन क्योंकि इस समय कोविड का माहौल है हमको उनको भी देखना है